हेलो एंड वेलकम टू medialens.com और दोस्तों स्वागत है आपका इस एपल स्टूडियो वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एक ट्रैप सॉन्ग बना सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हमें चाहिए होती है वगैरह, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर हम ये बनाएंगे कैसे। तो हम जो है इसके लिए 808 यूज़ करते हैं, इसमें मतलब साउंड फिक्स होती है, इसी तरह की आपको किक वगैरह यूज़ करनी होती है। तो आप अगर नेट पे जाएं, गूगल में सर्च करेंगे 808 माफिया ड्रम पैक तो आपको ये मिल जाएगा। मेरे पास लिंक नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता, सॉरी उसके लिए। बाकी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, इवन यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो। ये किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में था, ये फ्री पैक है, 808 माफिया पैक है। और इवन आप दूसरे किक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी सी यूज़ करनी होती है। सबसे पहले हम एक किक यूज़ करेंगे, तो कुछ इस तरह की शॉर्ट किक होगी, नॉक टाइप की, जैसे दरवाजे पे नॉक करते हैं उस तरह से। और ज़्यादा इसमें बेस भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हाई टाइप की नहीं। तो ये हम इस तरह की इसमें किक यूज़ करेंगे। और फिर स्नेयर के लिए आप चाहें तो दूसरे तरह की यूज़ कर सकते हैं, तो हम जो है किसी भी तरह की स्नेयर यूज़ कर सकते हैं। एक ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम कुछ फिल स्नेयर टाइप यूज़ करेंगे इस तरह की, तो वो फिल होगी, तो हम ये जो मेन स्नेयर है थोड़ी अलग रखेंगे और इस तरह की, ठीक है, इसे रीनेम कर लेते हैं। और इसको थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए हम इसके साथ एक क्लैप यूज़ कर लेंगे, तो ये वाली क्लैप यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे नहीं, अलग से यूज़ करेंगे। ये एक तरह से 4 बीट पे चलती रहेगी इस तरह से। और एक एक स्नेयर के साथ जाने के लिए इस तरह की यूज़ कर लेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा ना ट्रैप EDM टाइप का बनाएंगे, तो इसलिए 140 का BPM, आप चाहे तो 161 कितना भी रख सकते हैं, हम 140 के अराउंड रखेंगे। और कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। और इसमें साथ में ये ऐड कर देंगे और क्लैप ईच 4 स्टेप पर रहेगी। और इसे भी यूज कर सकते हैं, खैर। तो ये हमारी क्लैप 2 हो जाएगी। तो चलिए एक बार इन्हीं को ही हम करते हैं मिक्स, यहाँ पर जाके पियानो रोल में Ctrl Shift L। तो ये ऑलरेडी किक ठीक है, बस मैं इसकी वॉल्यूम को -6 तक लेके जाऊँगा। और ठीक है, ये इसमें से मैं वो एक्स्ट्रा बेस हटा दूंगा। तो इसमें से भी और इनको एक बार 0 कर देता हूँ। और इसमें हम चाहे तो इसमें स्टीरियो शेपर ऐड करते हैं इस तरह से, और इसको हम रिवर्ब ऐड करेंगे।
और इसमें रिवर्ब ऐड करेंगे हम थोड़ा हाई टाइप का, थोड़ा हाई रिवर्ब। इस तरह से तो अब ये ठीक है, ये हमारी ड्रम बीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम जो है इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं प्लेलिस्ट में। जैसे यहाँ पे इसके बाद इसमें हाई हैट वगैरह ऐड करते हैं। उससे पहले हम ये चांट्स ऐड करेंगे, वो ये वाला। और इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे और इसमें एक्स्ट्रा बेस। हाँ, ये भी ऐड कर सकते हैं। खैर, यहाँ वही रहने देते हैं। अब इसमें हम जो है सिंबल्स और हाई हैट वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम, इसमें सिंबल्स वगैरह होंगी। ये वाली हम रखेंगे, इसको पहले तो इसको रीनेम करते हैं यहाँ से ड्रम्स, और इसको थोड़ा कलर दे देते हैं। और आगे हम जो है ये हाई हेट पैटर्न होगा, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसे। इस तरह से, और इसमें हम कुछ ओपन हाई हैट वगैरह भी ऐड करेंगे। तो ये भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे ड्रम में। यहाँ पे जहाँ पे क्रैश होता है वहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे मतलब ये हमारी स्नेयर हिट करती है। और ये हर बीट के स्टार्ट में ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें एक स्नेयर पैटर्न ऐड करेंगे, मतलब फिल के हिसाब से, और वो होगा स्नेयर्स में।
इस तरह से यहाँ पे होगा हर बीट के एंड के टाइम पे। इस तरह से इस तरह से और इस वाले को हम जो है पहले तो इसे कलर दे देते हैं। और इसको जाके और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और इसको भी आप डबल कर सकते हैं। तो ये हमारी फिल स्नेयर वन बोल देते हैं इसे, और इसे हम फिल स्नेयर टू कह देते हैं, और इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और इसमें हम जो ओपन हाई हैट है वो भी ऐड करेंगे, पर वो मुझे मिल नहीं रही। चलिए कोई ना, हम हमारे जो वेंजेंस पैक है उससे ऐड कर लेंगे। और इस लास्ट वाले स्नेयर को भी थोड़ा अलग बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से
तो ये हमारे तरह से सिंपल ड्रम पैटर्न तैयार है और इसे हम चाहे तो शुरू में क्रैश ऐड कर सकते हैं। और इस वाह जो चैंट है इसको हम थोड़ा और रिवर्ब ऐड कर देंगे इस पर। अब यहाँ पे हम जो सेकंड स्टेप ऐड करेंगे वहाँ पे हम सिंथ वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनरली जैसे मैं किस तरह से बनाता हूँ उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप चाहे तो 808 पहले ऐड कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और 808 ऐड करूँ, आप चाहेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये 7 ट्रैप किट्स मिल जाएंगी, इस तरह से हैं ये। तो ये वाली मेरे को सही लगती है काफ़ी। और इसको मैं अगर ऐड करूँ, ये है हमारी 808। और सबसे पहले आपको इसकी की पता करनी होती है, तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे रीजन, डिटेक्ट पिच रीजन। तो आप देख सकते हैं D#2 है, तो हम जाके इसके यहाँ पे D# जाएंगे। तो ये C है, ये D है, ये D# है, तो इस पर राइट क्लिक कर देंगे। तो अभी हम जो नोट प्ले करेंगे उसी पे ही ये जाएगा सही, जैसे इस तरह से। तो अगर हम ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो वहीं जाएगा। और इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं इसका एनवलप, इस तरह से। तो जैसे अगर मैं इसका डिके टाइम कम कर दूँ इस तरह से, तो जब मैं की दबाए रखता हूँ तभी ये प्ले होता है, बट थोड़ा सा डिके बढ़ा देते हैं। सॉरी, मेरा मतलब रिलीज टाइम। इस तरह से, और इस पर आप कट इट सेल्फ को ऑन कर देंगे। तो इस तरह से आप बार बार दबाएंगे तो वो पिछली बार जो साउंड प्ले होगी उसको बंद कर देगा ये। और अभी हम जो है वो 808 से कुछ बनाएंगे। ऐसे अगर इससे मैं प्ले करूँ तो आप जो है किक को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि इस तरह से पियानो रोल में आ जाए। और फिर हम कोई अच्छा नोट ढूँढेंगे और इसके बाद यहाँ से कुछ अच्छा बनाएंगे। जैसे मैं ई नोट यूज़ कर रहा हूँ अभी, और एक चीज़ है कि आप चाहें तो इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, और इसे मैं कम कर देता हूँ और इसको 808 को हम थोड़ा और पंची टाइप से बनाएंगे ताकि ये और हार्ड हिटिंग से लगे।
तो इसके लिए एक VST प्लगइन है सॉसेज फैटनर, और अगर आपको EQ एडजस्ट करना हो और ध्यान रखिए कि किक के साथ आपकी सही साउंड करे। क्योंकि हो सकता है आपकी सेम फ्रीक्वेंसीज होंगी यहाँ पे। इवन आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ साइड चेन भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड साइड चेन नहीं करवाना, नहीं तो आपकी जो 808 है वो मतलब अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, वो पंचनेस ख़त्म हो जाएंगी। तो हम फ्लोटी लिमिटर ऐड करेंगे यहाँ पे और किक के साथ साइड चेन करवा देते हैं। इवन इसमें से हम जो बेस है वो हटा देते हैं, क्योंकि 70-80 से नीचे सब बेस होता है आपका। इस तरह से, और अगर हम इससे सबका प्ले करें तो इस तरह से, और इस हाई हैट पैटर्न को हम थोड़ा और फास्ट करेंगे। और इसको एंड में जाके इस तरह से फास्ट कर देंगे। और यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आप इसे सुन नहीं पा रहे होंगे। और इसे 1/3 के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जैसे अगर 1/3 पे जाए तो इस तरह से। और फिर दोबारा से 1/2 पे जाके तरह से,
और इसे और छोटा करते हैं और इस तरह से बनाते हैं। और इसके वॉल्यूम को हम थोड़ा यहाँ पे ऐसे नीचे ले आएंगे, राइट क्लिक करके बाय द वे। और इसकी आप पैनिंग को भी इस तरह से कर सकते हैं। और इनको चलिए थोड़ा और आगे कर लेते हैं। कुछ इस तरह से तो ये था। अभी हमने जो है ये जो बेस है ये ई पे रखा है, तो यहाँ से हम कोई स्केल डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हम जो सॉन्ग है वो हम ई माइनर स्केल में बनाएंगे। तो इसलिए हम कैसे करते हैं, उसके करते हैं मैं ट्रैप सॉन्ग में एक हॉन्ग टाइप की साउंड ऐड करता हूँ, तो इनको नाम देते हैं सिंथ। यहाँ पे एक मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ, उसका नाम है TPS मॉड्यूल। आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, TPS मॉड्यूल जो भी आप बोलते हो। ये काफ़ी अच्छी प्लगइन है, फ्री है, आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी साउंड कुछ ऐसी है। तो ये काफ़ी अच्छी है मेरे ओपिनियन में। तरह से रखेंगे इसको, हम नाम देते हैं हॉन्क और इसको थोड़ा और एपिक बनाएंगे। इस पे जाके EQ और इस पे सॉसेज फैटनर, और रिवर्ब। और इसकी वॉल्यूम को कम करता हूँ। और इसे अगर मैं यहाँ ऐड करूँ
और इसे हम क्लोन कर सकते हैं और इसमें और कोई साउंड ट्राई करेंगे। जैसे प्लस पे पर क्लिक करूं, और इसे ऐड कर दूं। तो ये हॉन्ग टू है, इसको यहाँ ऐड करेंगे और सेम इफेक्ट हो जाए, इसलिए इसको हम इसे रूट करवा देंगे, रूट टू दिस ट्रैक ओनली। बट इसके ऊपर हम स्टीरियो इन्हेंसर ऐड करेंगे फॉर स्ट्रिक्स। तो अगर मैं इस पहले वाले को बंद करूँ, तो इस तरह से है ये। और इसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और हम ड्रम थोड़े एडजस्ट करेंगे, जैसे और इसको भी तो इस तरह से सुने गई है। अब यहाँ पे हम जो है आजकल जो ट्रैप चल रहे हैं उनके हिसाब से एक लीड हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लीड ऐड करेंगे, जाएंगे सिंथ में यहाँ पे, और आप यूज़ कर सकते हैं साइलेंट या कोई भी प्लगइन। तो इसके अंदर जैसे मैं यूज़ करूँ फॉर एग्जांपल कोई कम्प्लेक्स ड्रो, तो कोई लेयर टाइप्स यूज करेंगे हम। ये नहीं, कोई और ट्राई करते हैं, हम चाहे तो हाउस टाइप के भी यूज कर सकते हैं। तो
यहाँ पे हम एक मेलोडी बनाएंगे। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने पहले से बना रखी है एक। तो ये हमारी लीड है। तो ये ऑलरेडी ठीक है, बट हल्का सा इसमें सॉसेज ऐड करें। और थोड़ा कॉरस। अब इसमें हम जो है और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लैप ऐड कर सकते हैं इसमें, जो हमारा ड्रम था उसमें। अच्छा, हमने एक ऐड कर रखी है। ओके, सेम तो नहीं करेंगे इसे। इसकी वॉल्यूम थोड़ी वैसे लग रही है। और इस लेयर के साथ हम कुछ और भी ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जा सकते हैं नेक्सस में और यहाँ पे दूसरी एक और लीड ऐड कर देंगे, जैसे सिंगल लेयर लीड्स। और थोड़ा प्लग टाइप से। या फिर कुछ और, फॉर एग्जांपल और इसमें हम स्मॉल क्रैशेस वगैरह ऐड करेंगे, तो साउंड जो है काफ़ी फुल इसका सुनाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाएंगे यहाँ पे और एक हम इसमें जाके ऐड करेंगे कुछ सिंबल्स, क्रैशेस वगैरह। और मैं भूल गया, ड्रम के अंदर हम जो है ये भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। We'll be right back.
हर फोर पे। इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, इस OH को। इस पे थोड़ा रिवर्ब है। और इसमें वही है, हम बाकी साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ये क्रैशेस वगैरह ऐड कर सकते हैं हर एक हॉन्ग के टाइम पे। तो कुछ कुछ इस तरह से, लेकिन आप इस पे और मेहनत करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सुना सकता हूँ, मेरा एक बनाया हुआ जो है, लगभग उसी से मैंने मेलोडीज वगैरह ली है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। तो जैसे सुनेंगे, ये जो इसी पे बेस था वो, ये लीड है इसकी, ठीक है। और ये सिंपल क्लैप थी आपकी, और वही आपका ड्रम बीट है ये। तो इस तरह से, और ये आपकी वो स्नेयर थी। यहाँ पे दूसरा है ये, तो ये मेरा काफ़ी पुराना सॉन्ग है एक्चुअली, और इसमें मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रिवर्ब वगैरह ऐड कर रखा है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। बट अगर इसे मैं प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से थोड़ा लैग कर रहा है, बाकी मैं आपको इसकी FLP फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतने ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या सुझाव सजेशन वगैरह है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।